वेलकम टू यूनियन यूनिकर्स। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं बोट की तरफ से आने वाला इनका एक नया पार्टी स्पीकर जो कि है बोट पार्टी पाल 200 और ये जो है एक 70 वॉट्स का पार्टी स्पीकर है और आज की वीडियो के अंदर मैं इसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और देखते हैं क्या इसके फीचर्स और क्या क्या हमें बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और साथ साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो को भी लाइक करो और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। सो भी जल्दी से मैं स्पीकर को अनबॉक्स करता हूं। सो ये है बोट का पार्टी पाल 200 स्पीकर और ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा बहुत JBL के स्पीकर के जैसा भी लग रहा है। सो सबसे पहले हम इसके बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं। हमें ये सभी चीज़ें बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले इधर हमें इसका रिमोट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं इसको इसके पैकेट से बाहर निकालता हूँ और ये जो रिमोट है प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर मोड, लाइट, EQ, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, चैप्टर अप डाउन है और इधर नम पैड भी दे रखा है और साथ में बोट की ब्रांडिंग भी है। और जो रिमोट है वो काफ़ी ऐसा चुटकू सा है, आपके हाथ में आ जाएगा आराम से। और पीछे से अगर हम इसको देखें तो आप इधर 2 AAA बैटरीज का यूज़ होगा इसको पावर देने के लिए और ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर ऑफर की जाती है। और उसके बाद अगर हमें इधर कुछ और एसेसरीज देखने को मिल जाती हैं तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले इधर हमें एक स्टिकर देखने को मिल जाता है जो कि है I am Boat Head। आप इसको जहाँ पे मर्जी लगा सकते हो। और उसके बाद इधर हमें एक ऑक्स केबल भी देखने को मिल जाती है और उसके बाद इधर हमें एक सी टाइप केबल भी देखने को मिल जाता है क्योंकि ये जो स्पीकर है ये सी टाइप केबल से ही चार्ज होता है। और उसके बाद लास्ट में इधर हमें कुछ क्लिप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि स्पीकर के बैक पर लगेंगे जो कि आपको वीडियो में आगे मैं बताऊँगा। और ये जो क्लिप्स है ये माइक होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं और आपको आगे चल के लगा के भी दिखाऊंगा। और उसके बाद इधर हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जैसे वारंटी कार्ड है, इनकी कैटलॉग दी गई है, प्रोडक्ट कैटलॉग है और साथ में इधर हमें यूज़र गाइड देखने को मिल जाती है जिसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उसके बाद इधर हमें एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आगे जाके आपको इसका भी टेस्ट दूंगा मैं। और इसकी जो केबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ऑन ऑफ स्विच इधर आपको दे रखा है। फुली मेटालिक बिल्ड के अंदर आपको ये जो माइक है ये देखने को मिल जाता है और इधर आपको जो TS केबल वाला जैक है वो देखने को मिल जाता है। अभी आपको मैं स्पीकर का जो ओवरव्यू है वो देता हूँ। फ्रंट से जो स्पीकर है वो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको 2 ट्वीटर्स, उसके नीचे आपको 2 स्पीकर्स और लास्ट में आपको एक बड़ा सा सबवूफर दिया गया है। और अगर हम इसके बैक के बारे में बात करें बैक इसकी प्लेन आपको देखने को मिल जाती है, साइड्स भी इसकी बिल्कुल प्लेन है। अभी मैं आपको जो क्लिप्स है वो भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। इधर 2 क्लैंप्स दे रखे होंगे आपको, उनके अंदर ये जो क्लिप्स हैं इनको फिट करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और आपको कुछ ऐसे प्रेस करना है और टक की आवाज़ से आप इंश्योर कर लोगे कि आपके जो क्लिप्स हैं वो लग चुके हैं और इधर अब आप जो आपका माइक है वो आप आसानी से लगा सकते हो। ये है स्पीकर का टॉप और टॉप पे आपको सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इधर आपको एक छोटी सी LED की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और बीच में एक आपको नॉब दिया रहेगा जिसके आर पार LED भी वर्क करती है जो है ब्लू कलर की LED और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। सबसे पहले इधर आपको 2 माइक जैक्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप माइक को इंस्टॉल कर पाओगे। उसके बाद ऑक्स दी गई है, TF कार्ड दिया गया है, USB दी गई है, ऑन ऑफ स्विच दिया गया है और इसके अंदर एक LED इंडिकेटर दिया गया है चार्जिंग के लिए। और उसके बाद इधर आपको सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाती है, एको का नॉब देखने को मिल जाता है और साथ में माइक की वॉल्यूम का नॉब भी देखने को मिल जाता है। और इधर आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग जैसे FM, ब्लूटूथ, ऑक्स एक्सेट्रा और बीच में इधर आपको लाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद इधर आपको इक्विलाइजर देखने को मिल जाता है और इधर से आपको नॉब का यूज़ करके आपको जो इसका ट्रेबल है और बेस है वो अप डाउन कर सकते हो, जैसे 0 to 9 है और -9 तक भी ये जाता है। और उसके बाद इधर आपको TWS मोड देखने को मिल जाता है अगर आपके पास ऐसे 2 स्पीकर्स हैं वो दोनों इकट्ठे वर्क करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है। उसके बाद इधर हमें ऑटो स्कैन मोड देखने को मिल जाता है, माइक पेयरिंग के ऑप्शन है और इधर आपको FM- और FM+ इधर आप कर सकते हो।
और इसके हैंडल के पीछे आप इसका जो रिमोट है वो भी रख सकते हो। अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये इसका रिमोट है और हैंडल और उसके बीच में एक स्पेस है जहाँ पे आप जो इसका रिमोट है वो रख सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है। और अभी मैं आपको इस स्पीकर का साउंड टेस्ट भी देता हूँ। इसके अंदर माइक प्लग कर दिया और कुछ ऐसी सी वॉइस जो है इसके स्पीकर से आ रही है। सो अभी इसकी वॉल्यूम मैं अप एंड डाउन भी कर सकता हूँ, और अभी इसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है जैसे आप सुन सकते हो, और ये बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। और उसके आगे इधर हमें इको मोड भी देखने को मिल जाता है, तो उसको भी हम एनेबल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, सो कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो। और कुछ ऐसी सी इसकी जो साउंड क्वालिटी है माइक के साथ आती है। सो बात आ चुकी है मेरी बजट के ऊपर कि आपको ये जो स्पीकर है आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस, सो ये आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 7000 से लेके 8000 रुपीज की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाएगा। बट ये ऑनलाइन अवेलेबल अभी नहीं है, काफी जगह ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, बट ऑफलाइन ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर अब हम इसके वर्डिक्ट के बारे में बात करें, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो इसका डिज़ाइन है और इसकी जो फीचर्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम लगी मेरे को। अगर आप इसको इंडोर यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, आपको ये जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप इसको बाहर यूज़ करते हो, आउटडोर यूज़ करते हो, तो ये थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील होती है। और ओवरऑल ये जो है स्पीकर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप इसको आउटडोर यूज करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप और कोई स्पीकर पे जा सकते हो। बट अगर आपको इसको इंडोर यूज करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। तो यही मेरा वर्डिक्ट है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। वीडियोज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय, एज ऑलवेज गेम ऑन।